जनपद रुद्रप्रयाग में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाते की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 15 शिकायतें भी दर्ज की गईं, जिसमें पेयजल, सड़क, विद्युत, शिक्षा आदि समस्या दर्ज की गई। बता दें कि आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में करीब 8 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष शिकायतों का निस्तारण करने के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। इसी दौरान मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जनसंवाद जनता मिलन कार्यक्रम में जो भी शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गई हैं, उनका निराकरण 10 दिन के भीतर करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी दशा में कोई भी विलम्ब न किया जाए। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जो आज का जनता मिलन पब्लिक जनसंवाद कार्यक्रम था, निर्धारित कार्यक्रम था, इसके अंदर हमें 15 शिकायतें प्राप्त हुई, जो मूलतः बिजली, पानी और सड़क, आवास, इन चीज़ों से संबंधित थी। तो संबंधित विभागों को उसके लिए कह दिया गया है, 8 समस्याओं का त्वरित निदान कर दिया गया, निस्तारित कर दी गई हैं, मौके पर उनका समाधान हो गया है। और जो बाकी 7 शिकायतें हैं उनको हमने कहा है कि विद इन 1 वीक तो उनका निस्तारण कर जाए। तो किसी जैसे सड़क की थी, NH किससे संबंधित थी, तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर कर देंगे, तो मैक्सिमम 10 डेज के अंदर हमारा ये कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त इस बार हमने जो पुरानी शिकायतें थी तो उनका भी रिव्यू किया, तो उसमें पिछले जो जनता दरबार में क्या हुआ तो उसमें जो है कि हमारे जो निस्तारण हो गया था सभी का, तो 1 का निस्तारण अवशेष है, उसमें समय लगने की संभावना है, क्योंकि जो पंचायत की बैठक वगैरह कराई थी तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हम इसको ठीक करवा लेंगे। और 1 जैसे विद्युत वगैरह की थी, उन्होंने भी कहा कि हम 3 दिन में जो लाइन वगैरह झूल रही, कुछ करंट लगने की समस्या ग्राम पंचायत ने बताई थी, वो हमने कर ली है।